Hi Frank. Hi Vicky. How are you? Too late man. Traffic bro. कितना लाए हो? As usual, 2 kgs. Dealers बढ़ते ही जा रहे हैं. Users की मांग बढ़ रही है. 2 kgs में कितने लोगों को संभालूंगा? Please Frank, increase the supply यार. What else to do? There's a lot of police observation. किस बात का observation? जब तक मेरे पापा मंत्री हैं, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है. पुलिस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ. Let's have a look. Hello sir, good evening. Hope you're enjoying the party. Food items अच्छे लगे sir. Why don't you try this? Hey. मैंने मंगवाया था क्या? Get lost. Okay sir, please enjoy. चलो, sorry. Don't move. तीन महीनों से तुम्हें ट्रेस कर रहे थे. फाइनली हाथ लग ही गए. जानते हो मैं कौन हूँ? मिनिस्टर के बेटे हो, जानता हूँ. तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही इतने दिनों तक इंतजार किया. आज तुझे तेरा पाप भी नहीं बचा सकता. प्रभाकर, टेक देम इनटू कस्टडी. सर, एनकाउंटर पर जाते समय गन में बुलेट है या नहीं चेक कर लेना चाहिए. रेड पर साथ चलने वाला साथी ईमानदार है या नहीं ये भी जान लेना चाहिए. प्रभाकर, किसी को भी जान से मारते समय माइंड और हार्ट कूल होने चाहिए. कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उस वेटर ने सब कुछ देख लिया. देखो कहाँ गया. पकड़ो उसे. कहाँ गया वो? जल्दी आजा आजा. उसका टाइम अच्छा चल रहा था, बच गया वो. भाई, वो बच के भाग गया भाई. अगर ये बात यहां से बाहर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी. उसे कैसे भी करके खत्म करना होगा. या अल्लाह, मेरा पोता आत्महत्या कर ले, इतना कमजोर नहीं था बेटा. दादाजी, आपके पोते के साथ काम करने वाला मैं पुलिस ऑफिसर हूँ. कल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, उसी की वजह से आत्महत्या. नहीं, ये झूठ है. मैंने उसे बचपन से ही ईमानदारी की कौर खिलाई थी. जान चली जाए लेकिन वो गद्दारी नहीं कर सकता. पुलिस में भर्ती होने से पहले ईमानदार रहूंगा, कुरान की कसम खाई थी इसने. और ऐसी कसम खाने के बाद कोई मुसलमान गुनाह नहीं करेगा. इस गुनाह को करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा. अल्लाह माफ नहीं करेगा. माँ जी, कॉफी पियेंगी? भाभी, कॉफी. हाँ, ये लो. मना किया है फिर भी. ये लो. उठिए, सुबह हो गई. उठिए ना. क्यों? कॉफी. अब सुबह उठ के मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे चैन से सोने भी दिया करो. कल्याणी. हाँ. नाश्ता तैयार हुआ क्या? अगर 7:30 के अंदर नाश्ता नहीं करेंगे तो ग्रहण लग जाएगा. फिर शुरू हो गए. वो कोई ग्रहण नहीं है, हमारे दामाद जी हैं. उनके कहने के बाद ही मैं नाश्ता दूंगी. अब खाने पीने में दामाद की परमिशन लेनी होगी. दादाजी, फूफा जी आ गए. वो आ गया. बाप रे, जीजा जी आ गए. पापा, आज भी आप पकड़े जाओगे. मैं तो यहाँ पे सेट हो जाता हूँ. माँ जी, अच्छी सेहत के लिए हरी हरी सब्जियाँ. बाबूजी कहाँ है? 147, 148, 149. आज की एक्सरसाइज फिनिश्ड. आधे घंटे से डिप्स लगा रहा था, अब नाश्ते का टाइम है. नाश्ता बाद में होगा, आप पहले एक्सरसाइज शुरू कीजिए. अरे लेकिन आधे घंटे से तो मैं वही कर रहा हूँ. वो नहीं, आप एक्टिंग कर रहे हैं. ऑलरेडी व्हाट्सएप पर आपका वीडियो लीक हो चुका है. एक्सरसाइज के बाद ही नाश्ता मिलेगा.
पापा, ये घर है या जेल? अरे चुप रहे, जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है। मन करता है क्राइम करके जेल ही चले जाऊं तो ही बेहतर है। पापा मेरी गर्दन अकड़ गई। ये क्या है, अब छुट्टी के दिन भी सूपी पीऊंगा क्या? ये लीजिए। आज मेरे लिए स्पेशल क्या है? आज तक कभी शेर को देखा है सब्जियां खाते हुए? उपवास रहूंगा तो कम से कम पुणे तो मिलेगा, इसे खाऊंगा तो दोष लगेगा। ये दामाद जी का ऑर्डर है, आपको यही खाना होगा। दामाद दामाद दामाद, इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है क्या? आ गए, आइए कृष्णाचारी जी। बैठिए बैठिए, नाश्ते के टाइम पर आए। हाँ जी। अपने पंडित कृष्णाचारी जी आए हैं, इनके लिए घी डालकर डोसा लेकर आओ। घी वाला डोसा क्यों, नॉनवेज में कुछ नहीं बना है क्या? ओहो, आज तो शनिवार है ना जी। शनिवार है सोचकर हम इंसान नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो रविवार को क्या बकरे घास चरना छोड़ देंगे? लॉजिक है। कृष्णाचारी जी, हाँ जी, हमारे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आपसे उपाय पूछा था, आपको शास्त्रों में कोई उपाय मिला क्या? आपकी प्रॉब्लम मैंने पेन ड्राइव के जरिए परमेश्वर को भेज दिया है और उन्होंने सैटेलाइट के जरिए सॉल्यूशन मेरे पास भेज दिया है। आपके घर में जितनी सीढ़ियां हैं ना, अगर आप उन सबको तोड़वा देंगे तो आप भी अपने जीवन की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सीढ़ियां तोड़वा दें? कौन सी तोड़वानी है, जिससे म्यूजिक बजती है या जिसपे हम चढ़ते हैं? ऐसी बात करके तुम किसी बेवकूफ के शिष्य लगते हो, ना कि मेरे शिष्य। आप वास्तुशास्त्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं? जानता हूँ, वास्तुशास्त्र को निचोड़ कर पूरी तरह गटक लिया है मैंने, तुम क्या समझोगे? अगर ऐसा है तो वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि हैं आप जानते होंगे? वास्तुशिल्प रचने वाले कितने ऋषि मुनि, ये कौन है? ये कौन है ये भी आप नहीं जानते? भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, माया, नारद, नग्नजीत, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मा, सनत कुमार, नंदीश्वर, सौनक, गार्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति, ये 18 लोग वास्तुशास्त्र रचनाकारों में प्रमुख है। हम सोचते हैं कि हम काफी कुछ जानते हैं जबकि हमारा ज्ञान काफी कम होता है। ज्ञान हो तो ज्ञान बांटो, ना हो तो कम से कम किसी को मिसगाइड ना करो। लक्ष्मी नारायण जी, घर बुलाकर एक सरस्वती पुत्र का अपमान करते हैं। मैं हर्ट हूँ, मेरा बहुत अपमान हुआ। कृष्णाचारी जी, आपका दामाद जब तक इस घर में है आपकी प्रगति नहीं होगी। हाँ, लिख कर ले लीजिए। ए, क्या है? फोन लगा उसे। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हूँ। बात क्या है डैडी? अरे रात में नींद नहीं आती, सुबह पेट साफ नहीं होता, दिन भर बड़ी बेचैनी रहती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या तो तुम खुद आ जाओ या फिर अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे इस घर में हमारी कुछ चलती ही नहीं है। हर बात पर तुम्हारा पति नियम की बात करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, झगड़े से दूर रहने की बात करता है, एक बच्चे की तरह सिखाता है हमें। जरा मुझे तो दो। काम्या, घर में ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई एंजॉयमेंट है, ना कोई एक्साइटमेंट है। तेरा हस्बैंड हॉस्टल के वार्डन जैसा होता जा रहा है। काम्या, स्वीट खाने से शुगर हो जाएगा, उपमा खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, अपनी इच्छा से कुछ भी खा नहीं पा रहे। हमारी हालत तो जेल में पड़े कैदियों की तरह बिल्कुल बेबस हो गई है। चाहे कितने भी कष्ट आए, अंत में पुण्य ही मिलता है। पुण्य? उसी तरह वो चाहे जो भी करें हमारे अच्छे के लिए ही तो है। इसमें अच्छा क्या है? वैसे भी और कितने दिन है मेरे वहाँ आने तक, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये तो हमें ही एडजस्ट करने की सलाह दे रही है। 16 बरस की बाली। ओहो, आप आ गए। रात में तो घर में होते नहीं हो और दिन भर सोते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है और मेरा पूरा वक्त आपका है। सुनिए ना, आज आपको शॉपिंग पर लेकर ही जाना होगा। अरे अब तो उठ जाइए। आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? मैं अंदर गया ही कब था? आप अंदर कोई और है? रात भर में बहुत थक चुका हूँ, सारा शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर सोने दो ना जाने मन। ये हमारे घर में कब घुसा जी? सिम इस्तेमाल करके ये बोल रही हो कि रॉन्ग नंबर लग गया? भैया, मैंने फ्रिज में से कुछ नहीं कहा बहन। तेरे जीजा जी मुझे इस आदमी के साथ लिंक कर रहे हैं। ए, मेरे घर में कैसे घुसा है? तुम अपनी आंखें ठीक करो, तुम हमारे घर में हो। तुम्हारे घर में? हाँ। अरे हाँ, ये तो मेरा घर नहीं है। मतलब तुमने मेरा किडनैप किया? देखो हेमा पटनायक, रात भर तुमने मेरे साथ क्या किया, अब तुम पूरी सोसाइटी को भी बताओ। पूछो इससे। मुझे नहीं, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। कॉलोनी में होने वाले इलेक्शन में मेरे विरुद्ध प्रेसिडेंट पद पर खड़े होने के लिए मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी बनाकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है ये। ओ मैडम, कोई साजिश नहीं है, वाजिश नहीं है, इन्हें स्लिप वॉक की बीमारी है, पूरी कॉलोनी जानती है। क्यों बाबूजी, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, एक दिन ये ट्रक से टकराने वाले थे तो मैंने इनकी जान बचाई थी। स्लिप वॉक? तुम कॉलोनी में नए आए हो ना? मेरे भैया रमेश पात्रो, पता है सुहाग रात की रात घर में सोकर कहाँ उठे थे? तू मेरी बीवी के बाजू में क्या कर रहा है? चुप कर, मैं तेरी नहीं अपनी बीवी के साथ लेटा हूँ। अरे अकल के अंधे, बाजू में देख। अरे बाप रे,
सोया तो मैं अपनी बीवी के साथ, जागा हूँ तो ये मेरे पास कैसे आई? इसलिए इन्हें नींद में चलने की बीमारी के अलावा किसी के साथ सोने की आदत नहीं है, है ना भाभी? ये क्या जी, इसे कैसे फंसाना है, कैसे हराना है? रात को तो मुझे आप बता रहे थे ना, तो मैं सुबह इसके घर पे कैसे आ गया? अरे पगली, ये बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। मतलब सुना ना आप लोगों ने, मुझे बदनाम करने के लिए ही ये घर में घुसा था। ए रमेश पात्रो, तू चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना कर ले, इलेक्शन तो मेरी दीदी ही जीतेगी। वो बंद कर, इस बार कॉलोनी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट पद जीतूंगा मैं, नव समाज का निर्माण करूंगा मैं। भैया वो नव समाज बिल्डिंग में मैं ही पेंटिंग करूंगा। नव समाज कोई बिल्डिंग नहीं है। मिल गया क्या? अभी तक नहीं मिला पापा। अरे तूने कॉमन मैन को नहीं मारा, सिंसियर पुलिस ऑफिसर को मारा है। अगर तू फंस गया ना तो मंत्री पद खोकर मैं इस घर में और तू जेल में रहेगा। बिना सबूत छोड़े किसी को मौत देना इतना आसान नहीं है। पुलिस वाले को आसानी से मार तो दिया लेकिन गवाह को छोड़ दिया, अकल है कि नहीं? पुलिस वाले हमेशा सबूत ढूंढते हैं, अपोजिशन वाले हमेशा मौका ढूंढते हैं। ढूंढने पर पुलिस वाले की बॉडी भले मिल जाए लेकिन गवाह ना मिलने पाए, वो कहां भागा है उसका पता लगाकर उसे हमेशा के लिए लापता कर दो। हाँ तुम डरो मत, देखो मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगा, बस तुम फोन मत करना। चलो भाई। भाई अब उनको मिले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसे आसपास के इलाके में देखा गया। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नथिंग सर, थैंक यू। सर, वर्ल्ड प्रसिद्ध धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कर्ता धरता हैं आप, किसी न किसी दिन आपके पद को धोखे से छीन लेना तुम्हारा प्लान है ना? अंदर की फीलिंग बाहर नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, सुन लिया मैंने। सर विदाउट योर परमिशन सेलफोन से एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, 1 मिनट सर। स्माइल सर। अरे अंकल जी। हाँ चंदू। शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? बातें तो चल रही हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप अच्छे इंसान हैं, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कोई भी काम हो मेरे लायक तो बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा। रुक जा मैं लगाता हूँ। तुमसे नहीं होगा चंदू। हाँ बोलो उमा। ये डीवीडी घुस नहीं रही है अंदर, जरा देखो ना। ओके। थैंक यू चंदू। वेलकम। विमला उन किसानों को फोन करके आज स्टॉक मंगा लो। ऑलरेडी चंदू जी ने मंगवा लिया है सर। अरे रेवती हेरिटेज में फोन करके स्टॉक बढ़ाने को बोलो। ऑलरेडी चंदू जी ने बोल दिया है। चंदू 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 मैनेजर मैं हूँ या वो? चंदू चंदू क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन। किस चीज का? तुम मार्क में काम करते हो या लड़कियों के हार्ट में? ये कैसा सवाल हुआ? अरे यहाँ तुम्हारा नाम लेते ही लड़कियाँ ओवर एक्साइटेड हो जाती है। हमारा चंदू ऐसा लड़का नहीं है। तो कैसा लड़का है? आप इसे इनकरेज क्यों कर रहे हो? देखो बाबूजी भूलो मत तुमने लोन अप्लाई किया है। वैसी बात नहीं है पात्रो जी, आपको तो पता है कि चंदू शादीशुदा है। ऑल्टो कार वाले के पास ऑडी आ जाएगी तो मना करेगा क्या? आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मैं उस नजर से लड़कियों को नहीं देखता। ओहो तो सबको चश्मा लगा कर देखते हो। ऐसे कैसे हो तुम? पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी का वादा किया, फिर उड़न छू हो गए, अचानक 9-2-11। मिस यू यार। ए, कहाँ सेटअप की तुम? देख रहे हो ना प्रभास, दिखाता तो ऐसे है जैसे खुद एक बेबी है लेकिन पूरे शहर की बेबीज इसके पीछे पड़ी है। क्या है, मैंने किस किया था तो इतना भड़क गए? क्या? या इसलिए नाराज हो कि सिर्फ एक ही किस किया? तुम मुझे चाहे कितना भी सता लो, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। बाबू जहाँ मिला करते थे वही शाम को मिलते हैं। बाय। देखा ना, ये बाहर से राम बनने का नाटक करता है लेकिन है बिल्कुल कृष्ण, और तुम लोग सब मेरे अंदर ही कमी देखते हो। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। चाहे कोई कुछ भी बोले लेकिन हम चंदू के बारे में जानते हैं, उस लड़की को चंदू को लेकर कोई गलतफहमी हुई होगी। Oh my God, it's so good! तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो कोई भी डायरेक्टर तुम्हें हीरोइन बना देगा। मैं
यू यार। ए, कहाँ से टपकी तुम? बेचारा, एक्टिंग के चक्कर में मैंने उसे परेशान कर दिया। मैं जाकर उसे सॉरी कहकर आती हूँ। I'll just be back, हाँ? बहुत बुरा लगा होगा ना उसे। ए, रुको रुको, सॉरी फिर कभी कह देना। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें क्लिप सबमिट करना है। चलो। वो बेचारा, मेरा दामाद किसी और लड़की से बात कर रहा था, विश्वास नहीं होता। वो तो फायर है। काम करने के लिए भी तो फायर होना चाहिए। काम तुरा नाम ना भयम ना लज्जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा क्लासमेट है, मेरे दोस्तों में सब तो मर गए, बस अकेला यही जिंदा बचा है। आपको बता दूं, ऐसा हादसा पुष्पेंद्र के दामाद के साथ भी हुआ था। भाई साहब की घर वाली बाहर वाली दोनों थी। मतलब मेरा दामाद भी घर में राम बना हुआ है, बाहर कृष्णा बना हुआ है, उसे रोकिए आप। ऐसे कमेंट को मैं नहीं सह सकता। तुम्हारी बेटी कहीं और तुम्हारा दामाद यहाँ है। मतलब? अरे यार, मछली समंदर में है और हम जाल नदी में फेंक रहे हैं। इतना इरिटेटेड रहोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? तो अब आप क्या करेंगे? ए, देखो ये रास्ता। ये क्या गुरुजी, कितने दिनों तक हम इस तरह खिड़की से घुसेंगे? इसी को वास्तु कहते हैं। तुम्हारा गुरु पांचवें स्थान में आने तक इस उत्तर द्वार के रास्ते से आना होगा। कौम काऊ बेसिक, बेसिक काऊ, बेसिक काऊ, कौम कौम काऊ। नमस्ते गुरुजी। आयुष्मान। नमस्ते। हाँ। यहाँ आप क्या कर रहे हैं कृष्णाचारी जी? कुछ खास नहीं। धरती पर काऊ काऊ कौओं के चिल्लाने से पहले अपने दामाद को आओ आओ करके घर में बांध लीजिए। गिरी, जा देखा रहा। आप ही जानो डैडी, कहीं गरम पानी मुंह पे फेंक दिया तो? सर, लेट मत कीजिए, उन्हें आए हुए आधा घंटा हो चुका है, पंक्चुअलिटी पे लेक्चर ना दे दें। आज मार्ट में क्या हो रहा था? वर्क हो रहा था। वर्क हुआ या फिर वर्कआउट हुआ? ये क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं आप? उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? क्या कहा, लड़की? सुबह मार्ट में उस लड़की का काजोल की तरह दौड़ते हुए आना और आपका शाहरुख खान की तरह स्टाइल से रोमांटिक बनकर खड़े रहना। मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी, अचानक आई और अचानक चली गई। कहाँ रहती ये भी नहीं जानता मैं, दोबारा जिंदगी में दिखाई देगी कि नहीं ये भी नहीं पता, और उस लड़की के बारे में आप मुझसे इतने सवाल। हाँ। हाँ। मिल गए आप एट लास्ट, थैंक गॉड। हाँ, मैं समझ गया समझ गया, अब आप दोनों के बीच में मैं क्यों खड़ा हूँ? आखिर तुम हो कौन? आई एम सॉरी चंदू जी। मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? इससे पहले सॉरी कहने के लिए मार्ट पर गई थी तो उन्होंने मुझे आपकी डिटेल्स दिए। अमिंदु। उसे देख रहे हो ना कृष्णाचारी जी, कैसे हाथ मिला रही है? ये तो कुछ भी नहीं है, मार्ट में तो पप्पियां दे रही थी। हाँ? एक्चुअली मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सो ऑडिशन के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था जिसे एक फिल्म डायरेक्टर देखने वाला है, बस इसीलिए मार्ट में आपके साथ एक्टिंग की। मेरी एक फ्रेंड ने वो सब शूट करके डायरेक्टर को भेज दिया, आपकी परमिशन के बिना आपको परेशानी दी, इसलिए I'm so 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 sorry. It's okay. मतलब आपको मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? mm-hmm. कहीं आपने मुझे misunderstand तो नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें misunderstand बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे misunderstand किया। I'm sorry चंदू जी। जाकर मेरे घर वालों को सॉरी बोलो। वो मैडम यहाँ आकर क्या कहेगी आपको पता है? चंदू जी कौन है मैं नहीं जानती। वो बहुत अच्छे इंसान है। ये सब एक्टिंग थी, आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, ऐसा बोलेगी। हाय, हेलो। हेलो। चंदू जी के साथ मेरी कोई पहचान नहीं है, आज उनसे पहली बार मिली हूँ, वो सब एक्टिंग थी, आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड मत करना, थैंक यू। ओके। जय गुरुजी। उस लड़की के बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके दामाद और उस लड़की के लिप्स पढ़े हैं मैंने। मैं आपको भविष्य की कहानी भी बता सकता हूँ, दैट इज कृष्णाचारी। लेकिन उस लड़की का वास्तु देखने के बाद उसके घर का वास्तु ठीक नहीं लग रहा। दादाजी, 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ। 5 बब्बर शेर, 4 भालू और तुम्हारा फूफा। आपको तो कुछ नहीं आता, जाओ। दामाद जी कॉफी। तुम्हारे ससुर जी रात भर एक ही बात के पीछे पड़े रहे। हाँ? कोई लड़की आपके करीब आने की कोशिश कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, वो लड़की अचानक मार्ट पर आ गई। हाँ? और अचानक कॉफी शॉप में भी टकरा गई। हाँ, और अचानक हमारी कॉलोनी में भी आ जाएगी। ए भानु, यही घर है, स्टॉप स्टॉप। चंदू जी, हाय। अब देखना, वो लड़की हमारे दामाद जी के पास आकर कहेगी, हाय चंदू जी, आप यहाँ कैसे? और हमारे दामाद जी कहेंगे, दरअसल ये मेरा ही घर है। लड़की शॉक होके बोलेगी, अनजाने में मैं आपके घर के सामने शिफ्ट हो रही हूँ, इट्स रियली शॉकिंग है ना जी, ऐसा कहेगी। और हमारे दामाद जी जैसे कुछ जानते ही ना हो हमारी तरफ ऐसे देखेंगे, चंदू जी आप यहाँ कैसे? यही हमारा घर है। अनजाने में मैं बिल्कुल आपके घर के सामने ही शिफ्ट हो रही हूँ, इट्स रियली शॉकिंग है ना जी। I'll just come. I'll just shift my stuff and come. Okay? Bye! Oh!
रहते हैं? यहीं पे। हाँ। कॉलोनी में कोई नया रहने आया है क्या? हाय इंदू। हाय आंटी। हमारे घर की वास्तु बहुत शुभ है, तुम जरूर हीरोइन बन जाओ। तूने देखा ना प्रभास, चंदू ने क्या किया, डायरेक्ट कॉलोनी में ही ले आया इसे। इस कॉलोनी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेमा पट्टनायक, किसी को भी लाकर कॉलोनी में रख लोगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। कहने वाला तू कौन होता है? इस कॉलोनी में मेरी दीदी प्रेसिडेंट है। इन्हीं का जजमेंट चलेगा बस। हाँ। तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, अगर तुम्हारी पत्नी पक्ष में है तो हम विपक्ष में हैं। प्रेसिडेंटल हक हमें भी तो है। शक्ल देखी है अपनी? कॉलोनी की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कह रही हूँ ये लड़की यही रहेगी। ये सिनेमा वाले जहाँ जाते हैं परेशानी होती है, इनका प्रेजेंस होना ही नॉनसेंस है। मुंह पर रंग पोत कर लोगों को धोखा देने वालों को कैसा रिस्पेक्ट? शट अप। फिल्म वाले तो सिर्फ अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अपने दिलों पर भी रंग लगाकर घूमते हैं। फिल्म क्या होती है पता है तुम्हें? सारी नदियां जैसे समंदर में मिलती हैं, वैसे ही नवरस कलाएं फिल्मों में मिल जाती हैं। और इसी फिल्म इंडस्ट्री के न जाने कितने ही महान कलाकारों ने हमारे देश की दशा और दिशा बदलकर दिलों में जगह बनाई और सही राह दिखाई। ग्रंथों को सही तरह समझना हो, इतिहास को झांक कर देखना हो, या इतिहास को फिर से रचना हो, तो फिल्मों द्वारा ही मुमकिन है। जहाँ जाति धर्म भेदभाव को भूलकर लोग मिलकर काम करते हैं, वो एक इंडस्ट्री है और वो है फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात है आपने गुरुजी? देख रही हो, उस लड़की को घर दिलाने के लिए दामाद जी कितना सीरियसली सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चंदू ने 100% ठीक कहा है, उस लड़की को इसी कॉलोनी में रहने दो। सामान उतारो। हाँ उतारो, 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 उतारो। थैंक यू चंदू जी, थैंक यू सो मच। सुन बेटी, तेरे पति की वजह से वो लड़की हमारे घर के सामने रहेगी, तुम वहाँ रहोगी और यहाँ तुम्हारी माँ और मैं उसकी सेकंड फैमिली की संतानों को खिलाएंगे। अर्जेंटली यहाँ आओ। सामने हुए तो क्या हुआ डैडी, वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं, कोई भी औरत उन्हें डाइवर्ट नहीं कर सकती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात फोन रखिए डैडी। क्यों जी, आप अपने शक की वजह से छोटी सी बात को बड़ी कर रहे हैं। बेटी, डायरेक्ट लड़की को कॉलोनी में ही लाकर रखवा दिया उसने यार। मैं सब समझ गया। क्या समझे? रोमांस की कोई सीमा नहीं होती, मजा ही मजा होता। हाय चंदू जी। हाय। तुम्हारा ऑडिशन कहाँ तक पहुँचा? कल फाइनल डांस ऑडिशन है। ओह, ऑल द बेस्ट। आपने विश किया, मतलब अब तो मैं सेलेक्ट हो ही गई समझो। वो कैसे? आपसे पहली बार मैं मार्च में मिली, ऑडिशन के लिए बनाए वीडियो को एंट्री मिल गई। सेकंड टाइम कॉफी शॉप में मैं आपसे मिली थी और वहाँ टूलेट बोर्ड देखकर आपकी कॉलोनी में एंटर कर गई। थर्ड टाइम आपके घर के पास मिली तो फाइनल्स में सिलेक्ट हो गई। यू माय लकी चार्म। ए, तू एड्रेस बदल देगी तो क्या हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? तेरे भाई का कुछ पता चला? नहीं पता चला, वो इस वक्त कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ। आई स्वेयर। ए प्रभास, एक आइडिया आया है। इस लड़की की वजह से उस दिन हम लोग कॉलोनी में बदनाम हुए थे, अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हम लोग इज्जत कमा लेंगे। सुपर आइडिया है। तुझसे इज्जत से पूछ रहे तो तू हमें मजाक समझ रही है? इन सर्च ऑफ गॉड, ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि हम जैसे शैतान न मिले, क्या जाने शैतान क्या कर जाए। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या? तू कौन है? ओ, इसका बॉयफ्रेंड है क्या? इसका भाई हमारे पैसे नहीं लौटा पाया इसलिए भाग गया। In search of brother, तू मुझे जेंटलमैन लगता है। तू मेरा फोन नंबर रख और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने तरीके से समझा, अगर नहीं समझी तो तू भी इसे नहीं बचा पाएगा। ए, तुझे एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, समझा दे इसे। देख क्या रहा है, आंख नीचे कर, नीचे। ए! नीचे कर बे। ए, तू कौन है बे साला? साला नहीं, सबका रखवाला। कॉलोनी को कुछ हुआ तो मैं हूँ इनका सहारा, लेडीज को कुछ हुआ तो किसी को भी मैं नहीं छोड़ता। श्री हरि कोटा का ताप है मुझ में, इस कॉलोनी का हथियार हूँ मैं। तू निकल यहाँ से बे। तूने मुझे मारा, तुझे, उसे, इसे और ये जो अंधे भाई साहब है ना, मैं सबको, सभी को गोद लूंगी। क्या गोद ले लूं, इतना बड़ा दयालु नहीं हूँ मैं, घातक हूँ मैं, काट कर रख दूंगा सबको। भाई लगता है ये कोई पागल है, छोड़ दो। अरे जाओ जाओ, क्या शरीफों से पंगा लेते हो? इस कॉलोनी का रखवाला मैं हूँ, जिस दिन मुझसे पंगा लोगे उसी दिन तुम्हारी मौत की खबर अखबार में आएगी। Yeah.
Fantastic, fantastic. Wow. Very good. Marvelous. You are selected. Thank you, well done, sir. Well done. Yes. Oh, I can't believe this. Here is your advance, and you are the heroine of my film. So see you at the shoot, okay? Thank you so much. All the best. Chalo. Stocks ke bare mein complaints mil rahi hain. Expiry dates check karo. Complaints dobara nahi aani chahiye. Hello. Chandu ji, good news. ऑडिशन में मुझे हीरोइन के लिए सेलेक्ट कर लिया है। Congratulations. हाँ, तुम लोग जाओ। हाँ। और उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया है। All this because of your wishes. First party आपको ही देनी है। वो भी होगा। मैं कल्चरल एकेडमी के पास हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। It's my dream come true. आज से मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। हाँ। हेलो, इंदु। निकल। डांसर थी, पूरी जिंदगी उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए बिता दी। मुझे एक कामयाब हीरोइन बनते देखना मेरी माँ का सपना था, पर उससे पहले ही वो चल बसी। चाहे जैसे भी हो, मुझे अपनी माँ की इस आखिरी इच्छा को पूरी करनी ही है। ये मास्क मुझे दे। नहीं दूंगी। देखो ना पुपा जी, ये मास्क मुझे चाहिए लेकिन ये दे नहीं रही है। पुपा जी, ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगी। तो मेरा फोन नंबर रख। इसका भाई हमारे पैसे नहीं लौटा पाया इसलिए भाग गया। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने तरीके से समझा, अगर नहीं समझी तो तू भी इसे नहीं बचा पाएगा। Well done guys, हमारे स्टेट में यूथ लोग इस पाउडर को बहुत पसंद करने लगे हैं। अगले साल ये बिजनेस डबल। टोटल यूथ को नशे में खींचने की जिम्मेदारी हमारी। यो विकी, क्या बिजनेस बिजनेस? Come, let's have a drink. Hey, कौन है तू? ये वही है भाई, जो उस दिन कॉलोनी में मिला था। Hey. तो यहाँ क्यों आया? मैं इंदु को आजाद कराने आया। क्यों भाई, रात को किसी लड़की को उठा कर लाया? हम तो रोज ही 5-6 लड़कियों को उठा लाते हैं। कौन सी लड़की है? देखिए, वो लड़की आप ही के पास है, मैं जानता हूँ। उसके भाई ने जो पैसे आपसे लिए वो चुकाने आया। ए, हम किसी लड़की को लेकर नहीं आए। चल चल, तुझे समझ में नहीं आया, निकाल। वो यहाँ हीरोइन बनने के लिए आई है और सिलेक्ट भी हो चुकी है। करियर खराब हो जाएगा, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। अच्छा, हीरोइन को बचाने हीरो आया है। लगता है दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जम गई है। सच्चा प्यार करता है उससे? जी बिल्कुल, सिर्फ उसी से नहीं, सोसाइटी के सभी सदस्यों से, आप लोगों से। अरे देखो, स्वामी विवेकानंद जी आए हैं। बढ़िया। बिकी भाई, इसको इतना मारा फिर भी कुछ बता नहीं रही है। ए, थोड़ा ब्रेक तो दे। ठीक है भाई। जो पैसे मैंने आपको दिए वो अगर कम लगे तो मैं और ला कर दूंगा, बस उस लड़की को छोड़ दीजिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, उसका भाई चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मामला है, उसके आने तक इसे नहीं छोड़ सकते। उसे छुड़ाना है ना, जा उसके भाई को लेकर आ। समझ गया ना? गो। अगर वो हमें नहीं मिला तो उसे 4-5 दिन तक इस्तेमाल करके उसे खत्म करके बीच रास्ते पर फेंक देंगे। तब उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। जा।
डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ डिसाइड करना तुम्हारे और तुम्हारी बंदूक के ट्रिगर के बस में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। छोड़ दो उसे। लड़की को जानते हो तो उसका भाई कहाँ है ये भी पता होगा। उसे लेकर आओ, 24 घंटों के अंदर वो यहाँ पर हो, नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ ही आखिरी मुलाकात होगी। गो, जा, चल निकल। मासूम सी लड़की को तुमने परेशान किया, मैं चुप रहा। उसके बारे में बुरा भला कहा फिर भी चुप रहा, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच आएगी तब भी तुम सोच रहे हो मैं चुप रहूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक एक को दौड़ा दौड़ा कर ना मारो और अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर ना किया तो मैं मर्द की औलाद नहीं। किसके लोगों को मार रहा है पता है क्या? एक बार मेरी हिस्ट्री देख ले, बस खून ही खून है। ओए, तेरी हिस्ट्री में जरूर खून होगा, लेकिन मेरे खून की एक हिस्ट्री है। इस तरह क्यों मार रहा है तू? इंसान है कि जानवर? रुक जा। मैं कभी फैसला नहीं करता, लेकिन अगर कर लूं तो पीछे नहीं हटता। लड़की को छूकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैंने सिर का बेटा हूँ, मुझे मारेगा ना? तेरे बाप को कुर्सी मिली है लोगों के दुख हरने के लिए, तेरे शरीर में चर्बी बढ़ाने के लिए नहीं। इतना खून खराबा करने का मैंने नहीं सोचा था, अगर सोच कर आता तो सोच क्या हो जाता। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है और मुझसे पंगा लेना जिंदगी के लिए हानिकारक होता है। चचा आपको लगी तो नहीं? आइए मैं छोड़ देता। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुझे सलामत रखेगा। सर, एक यूनिट खत्म हो जाने के बाद दूसरी चढ़ा देना। ओके डॉक्टर। परेशान होने की जरूरत नहीं है, she needs some more time to recover. Thank you. सुनो भानु, डिस्चार्ज होने तक इंदु का ख्याल रखना। ये उसका मोबाइल, इसके भाई फोन करे तो मुझसे कांटेक्ट करवाना। ठीक है चंदू जी। आज हमारे शहर के प्रसिद्ध कोरल पब में
24 लोगों की बुरी तरह से हत्या कर दी गई। इनमें से एक राज्य के मंत्री गोवर्धन राव के बेटे भी हैं। हत्या करने वाला इंसान ड्रग माफिया से जुड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हत्या करने के तरीके से लगता है कि क्या इतने बुरे तरीके से भी किसी की हत्या की जा सकती है। हमारी पुलिस हत्यारे को देश के हर कोने में ढूंढने की कोशिश कर रही है। एसीपी जगदीश प्रसाद ने एटीएस से सहायता मांगी है, जल्द ही गुनहगार को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा मीडिया को आश्वासन दिया है। गुड मॉर्निंग। मिला क्या? नहीं सर। था कौन वो? अंडरकवर कॉप था, माफिया था या आतंकवादी था? मेरे बेटे को उसने मारा क्यों? उसकी वजह क्या थी? हर तरह से इंक्वायरी कर रहे हैं, एक दो दिन में पता चल जाएगा। एक दो दिन नहीं, एक महीने का टाइम देता हूँ। मेरे बेटे को जितनी बुरी मौत उसने दी है उससे भयंकर मौत मिलनी चाहिए उसे। कुर्सी जाने की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। पार्थो भाई, उठो भाई, उठो ना भाई। Shut up. What यार? What क्या भाई? What ही तो लगा दिया आपने। क्या हुआ यार? हम करें wondering और आप करो thundering भैया। You are Terminator 2 plus Transporter 3 into Avatar 5 is equal to iPhone 7 हो भैया। English फिल्मों को मैच के साथ मिक्स करके क्या बात कर रहे हो? भैया ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? अबे expiry date। भाई ने क्या किया है ये देख। हाँ? क्या किया है हमारे पात्रो जी ने? ये देखिए। अरे बाप रे, इतनी हत्याएं! उस दिन आप गुंडों को मार डालने की बात कर रहे थे तो हमने समझा था मजाक कर रहे हैं, आपने तो सचमुच मार डाला इन्हें। इतने लोगों को तुमने अकेले मार डाला? तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। उन्होंने सोते हुए शेर को जगाया था, सजा मिली उन्हें। भैया तुम्हारे जैसे शेर जू में या कॉलोनी या जंगल में नहीं रहने चाहिए, असेंबली में होने चाहिए। तो शांत रहे प्रभास, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। खुद पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ। स्लीप मोड में रात को क्या किया था याद करो? इतना महान काम करने वाले को तो प्रेसिडेंट होना चाहिए। अरे चुप करो, तुम्हारे भैया ने कल रात इंसानों को नहीं मारा, मॉस्किटोज मारे हैं। रात भर ऐसे ऐसे मच्छरों को मारने की वजह से शरीर पर खून के दाग हैं। ये क्या यार, तेरी बातों से लगा था कि मैंने मारा है, लेकिन ये क्या बोल रही है? तुम्हारी इमेज ऊपर उठ रही है इसलिए उसको जलन हो रही है। पांडा, किसी ने मुंबई में हमारे लोगों को बुरी तरह से मार डाला है, हमारे डीलर्स में डर फैल गया है, वो बहुत डेंजर है, तो मुंबई में जाकर सारा मामला क्लियर करो। भाई विद इन अ वीक मैं सब सेटल करके आऊंगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक इनके हथियारों से ही उसने इन्हें मारा है, मतलब he is more dangerous than a weapon। क्या पांडे भाई, सारा पाउडर पुलिस वालों को हाथ लग गया, अब हमारे पेमेंट का क्या होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? कहना क्या चाहते हो तुम? हमारा पेमेंट सेटल करो बस। तुम लोगों को भी सेटलमेंट चाहिए? पांडे, कोई क्लू मिला क्या? हाँ मिला, तुम्हारे बेटे ने किसी रॉन्ग पर्सन को छेड़ा है, उसकी वजह से मेरे लोग भी चले गए। अपने धंधे को इससे दूर रख। गायत्री, उनके आने का टाइम हो गया है, लंच तैयार कर दो। कल्याणी, ऊपर का कमरा रेडी कर दिया? रेडी है जी। तो तुम जाकर ताऊजी। ताऊजी। अरे आ वाह वाह, इतनी देर कैसे? ट्रैफिक था ताऊजी। और हमारी दुल्हन कहाँ है? श्रुति बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब कुछ इतना अचानक? कुछ नहीं भैया, लड़का मेरे बेटे का क्लोज फ्रेंड है। हाँ ताऊजी, वो क्या है, हम भी शर्मा है, वो लोग भी शर्मा है, तो मैंने सोचा कि शर्मा शर्मा के उसे अपनी बहन के साथ सेट कर देता हूँ। वो दुबई जॉब करता है, तो हमने सोचा कि वो जाए, उससे पहले हम सारी तैयारी कर लें और उसकी शादी करा दें। श्रुति की शादी सुनकर काम्या कितनी खुश होगी पता है? है ना दामाद जी? हाँ 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 बाबू। एक मिनट रुको, मैं अभी काम्या को फोन करता हूँ। ताऊजी अभी रहने दीजिए ना, मैं उसे बाद में फोन करके सरप्राइज दे दूंगी। ओके आओ आओ, वो लोग आ जाएंगे, आओ।
अरे लड़का तो बहुत शर्मा रहा है। अरे नजरें उठाकर देखिए। वैसे एक बात बताओ, लड़का कैसा है? हाँ, अच्छा है। सही बात है। चंदू। हाँ, बोलो श्रुति। और कितने दिनों तक इन्हें कामयाब बनकर इस तरह से धोखा देती रहूंगी? अगर ताऊ जी को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। तब तक श्रुति, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। कौन हो तुम लोग? इंदू कहाँ है? इंदू कौन है? मैं किसी इंदू को नहीं जानती। सच क्या है बता दो। घर घर जाकर जनसंख्या जानने नहीं आए हम लोग, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही आए हैं। इंदू को किसने बचाया था? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। और नहीं मानोगी तो प्रॉमिस, पता चलते ही बता दूंगी। मुझे तेरा प्रॉमिस नहीं चाहिए, तेरी फ्रेंड चाहिए। इंदू, एक सेल्फी। इंदू को नहीं पहचानती ना? पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी का वादा किया, फिर उड़न छू हो गए, अचानक 9-2-11। सेम पर्सन, सीसीटीवी फुटेज में इसी को देखा था। hey, जल्दी लैपटॉप लेकर आओ। ओके सर, कम ऑन क्विक। पांडे, मिनिस्टर साहब, मिल गया। कौन है वो? कैसा दिखता है? व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। बेटा। हाँ। क्या हुआ बाबूजी? ये सब क्या है बाबूजी? सस्पेंस एंड सरप्राइज। आप देखकर शॉक हो जाएंगे जीजा जी। 1, 2, 3। तुम्हारी एनिवर्सरी पर हमारी तरफ से गिफ्ट, कैसा लगा? बहुत अच्छी गिफ्ट है, थैंक यू। चंदू जी। हाँ, सब कुछ ओके है ना? I'm fine. आपने मेरी बहन को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है सर। इंदू, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? फोन भी बंद था तुम्हारा। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था आंटी। एक्सीडेंट? अब तो ठीक हो ना? अगर हमें बताया होता तो हम किसी काम आ जाते। ठीक है ठीक है, वैसे भी कॉलोनी में इलेक्शन होने वाले हैं। मेरा जो कंफर्म वोट है वो मुझे नहीं मिलेगा, ये सोचकर घबरा गई थी। लेकिन अब तो तुम आ गई हो। इंदू, ये ले जाओ। चलो चलो। थैंक यू सर। परेशानी के वक्त में अगर कोई लड़की दिख जाए तो आमतौर पे लोग उसे एक्सप्लॉइट करने के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं, लेकिन आप अलग हैं सर। आपने जान की परवाह न करते हुए मेरी बहन की जान बचाई। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मेरी बहन आज हमारे बीच नहीं होती सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, वो उसको ढूंढने वाले उस मिनिस्टर के सारे लोग तो मर चुके हैं, वो प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है सर? प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है। तुम इंदू से जितना दूर रहोगे उतना ही वो सेफ रहेगी। तुम मुंबई जाकर इनसे मिलो, ये तुम्हें होटल में शेफ की नौकरी देंगे। ये कौन है सर? ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के एमडी अशोक मेहरा। वैसे आप कौन है सर? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्र साहब। चुनाव चिन्ह बलून है, याद रखना, भूलना मत। ठीक है। ये क्या पकड़ा दिया? झाड़ू पहचान। नमस्ते बाबूजी, अपना कीमती वोट मुझे ही देकर जीत दिलाइएगा। सुनो प्रभास। हाँ भाई। ये इलेक्शन हमारे लिए प्रेस्टीज मैटर है, कुछ भी हो जाए हमें ही जीतना होगा। कैसे जीतोगे? आंधी तो हेमा पटना की चल रही है, एग्जिट पोल देखो। अरे काहे की आंधी, चारों तरफ अगर मैंने फैन लगा दिया ना तो सारी हवा हमारी तरफ चलने लगेगी। सिंपैथी गेन करने के लिए इसे आगे करने को सोचा था, लेकिन कहीं उल्टा ना हो जाए ये सोच कर रह गए। बिना डरे मुझे आगे कर दो जी। सुना तो ना, क्या कह रही है? अरे वो प्रभास, हमारा वोट बैंक तो हमारे पास है, बाकी लोगों को नोट का बैंक बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो सब इस घर नंबर 99 में नहीं हो सकता, वहाँ पर चंदू है। लेकिन हमारे पास उसकी दवा है। मतलब? हुक्का जलाने के लिए चिंगारी की जरूरत है, और उसके लिए जो चिंगारी चाहिए वो मेरे पास है। रात को पार्टी के लिए दिल्ली से चिकनी बॉयलर मुर्गी मंगवा दूंगा ना, काम हो जाएगा। क्या मंगवाएगा? वो लोग दिल्ली से बॉयलर मुर्गी मंगवाएंगे ना,
तो हम मुंबई से देसी मुर्गी मंगवा के लाएंगे। कैसी लगी पॉलिसी? मजा आ गया। क्या मजा आया? चंदू के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। सब हो जाएगा। रात को पार्टी में दूध के गिलास में भांग मिलाकर चंदू को दे दो तो बच्चों ईमानदारी से वोट दो। ए भाई फोटो खींच। पहले पड़ाव में काउंटिंग के अंत तक रमेश पात्रो 25 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या बात है। बैठो भाई बैठो। ए राजू रे। आखिरी पड़ाव के काउंटिंग के अंत में हेमा पटनायक इस चुनाव में जीत गई है, वो भी 25 वोटों से। दीदी इस इलेक्शन रिजल्ट के लिए सिर्फ हमारी कॉलोनी की ही नहीं पूरे संसार की पारिवारिक औरतें इस चुनाव का इंतजार कर रही थी ना, उन सब की मन्नतें पूरी हुई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी मेरी दीदी को फोन करके बधाई देने वाले हैं। ये कितनी बड़ी बात है सोचो। एक बात तो सोचो, ये कोई आम युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है। अरे मुझे बोलने दो यार। अरे माइक का पहले भाड़ा दे। इलेक्शन में ए चुप कर। अब बोलेगा ना माइक फेंक कर मारूंगा। मैं जब बोल रहा हूं तो चुप बैठने का। ठीक है नहीं मारूंगा, शांति से बैठ। अरे तुम्हें मौका दिया जाएगा तब बोल लेना। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, हमारे इस घर की औरतों की नहीं है, यहाँ पर मौजूद किसी की भी नहीं है। दिन रात मेहनत करने वाली मेरी दीदी की है। सिर्फ मेरी दीदी की है। बेवकूफ, कुछ ज्यादा ही। इसीलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वोट किसी ने भी दिया हो जीत मेरी दीदी की है। अरे ताली कौन बजाएगा? क्यों बाबूजी, कल शादी है, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ हो गई। तुम सभी को छुट्टी लेकर शादी में हाथ बटाना होगा। परेशान मत होइए सर, मॉल बंद करके सारा स्टाफ वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छी बात है। पापा पापा तू यहाँ क्यों आया? लड़के वालों की तरफ से फोन आया था पापा। क्या बोल रहे थे? दहेज के 5 लाख रुपए देंगे, उसके बाद ही वो घर से निकलेंगे बोले। ये क्या बात हुई? घर के पैसे रेड्डी साहब ने परसों देंगे कहा है, उनके आते ही पैसे दे देंगे कहा था ना। कहा कि अभी बैंक में डालोगे तो ही वहाँ से निकलेंगे, वो अगर अभी नहीं निकले तो कल शादी के टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। शादी कहीं रुकना जाए इसलिए माँ परेशान हो रही है पापा। ठीक है तुम यही रुको। सुनो ये पैसे संभाल कर ले जाओ, जाकर उनके अकाउंट में डलवा दो। ये कहां से आए पापा? वो सब बाद में बताऊंगा, तुम जाकर डिपॉजिट कर दो। हेलो रेडी जी बोलिए। फोन इसलिए किया है, आपका घर नहीं खरीद सकता, तुम पैसे कहीं और से एडजस्ट कर लो। हा? लेकिन क्यों रेडी जी? आपका बड़ा बेटा आया था, उसने साफ साफ कह दिया वो घर नहीं बेचना चाहता, कहा कि साइन नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं मैं उसे मना कर ले आता हूँ, आप प्लीज पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए। फोन रखिए आप। रेडी जी सुनिए तो। मासला की चोरी हो गई है। हाँ? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, पुलिस के आने तक किसी को बाहर मत जाने देना। सर हमारे मार्ट में 5 लाख की चोरी हुई है, आपको तुरंत आना होगा सर। पुलिस के आने से पहले बता दो कि पैसे किसने लिए हैं, वरना सब के सब जेल जाएंगे। अरे हाँ कैश इंचार्ज बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी बाबूजी। आपको क्या हुआ अंकल जी? कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। कस्टमर और स्टाफ सभी को चेक करो, किसी को छोड़ना मत। कस्टमर्स को चेक करने की जरूरत नहीं, हमारे अकाउंट के स्टाफ में से किसी ने चोरी की है, जाके चेक करो। ए सबको चेक करो, कोई छूटना नहीं चाहिए, चलो फटाफट। सबको गाड़ी में बैठाओ, ले चलो। ए कोई कुछ नहीं बोलेगा, रुक जाइए। ये तो वही है, आखिर मिल ही गया शिकार। इनमें से किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो पैसे मैंने ही लिए। हाँ तुमने? कॉलोनी में तो शरीफ ज़ादे बनकर घूमते रहते थे और तुमने ये काम किया? छोड़ दो उन लोगों को, तू चल मेरे साथ। नगर के धर्मा मार्ट ब्रांच में 5 लाख की चोरी हो चुकी है। उसी मार्ट में काम करने वाले चंद्रशेखर उर्फ चंदू नाम के व्यक्ति ने इस चोरी का इल्जाम अपने सर पर लिया। ससुर जी क्या हुआ बेटी? चंद्रशेखर उर्फ चंदू नाम का ये व्यक्ति उस मार्ट में कई सालों से काम कर रहा था। ये चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई हमारे दामाद को? पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले जा रही है, जल्द ही सारी जानकारी सामने आ जाएगी। Thank you.
guard you are talking about. Your work is complete. सर सर हमारे मुंबई के मार्ट में 5 लाख की चोरी हुई है। इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है सर, एक बार टीवी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। वो देखिए सर, आज मुंबई के धर्मा मार्ट ब्रांच में 5 लाख रुपयों की चोरी हुई है और चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी करने वाले ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर उर्फ चंदू। आज चोरी की है और कुछ दिन पहले तुमने मिनिस्टर के लड़के को दर्दनाक मौत दी थी। इन दोनों के बीच लिंक समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा असली कैरेक्टर क्या है? कौन हो तुम? तुझसे उगलवा के रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारा दामाद कोई गलत काम नहीं कर सकता, मेरा विश्वास कीजिए। आधे घंटे में हमारा वकील बेल लेकर आ जाएगा। इसे आज कोई वकील नहीं बचा सकता, ये मेरी गारंटी है। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज, वकील साहब आ ही रहे हैं। FIR फाइल नहीं हुआ है अंकल। हाँ? वकील आएंगे तो भी कोई फायदा नहीं। मुझे तो शक हो रहा है, यहाँ जरूर कोई साजिश हो रही है। यस, जब तक चंदू जी रिहा नहीं हो जाते हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आपको चंदू को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। सर बोलिए सर। पब्लिक में तमाशा मत करो, उसे हमारे कारखाने में लेकर आ जाओ, मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। पांडे भाई बोलो। उसने मेरे आदमियों को मारा है, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसे मेरे पास ले आओ। तुझे मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, और कितने दुश्मन हैं? ए, गाड़ी तैयार करो, हथौड़ा मारो तो सही जगह मारो, तुझे उनके हाथों में सौंप कर अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। सर इसकी FIR नहीं लिखवाएंगे? मरने वाले का कैसा FIR है? सर आपके साथ ये लोग कौन है? तो मुझसे सवाल करेगा, चला हट। चंदू जी, चंदू भैया। सर आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, जाओ। सर अब क्यों जाओ? पहले ये बताओ कि इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो? हमें बिना बताए आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? चंदू ये सब क्या है? मेरे गुनाह की सजा तुम क्यों भुगतना चाहते हो? ये गलत है, मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। बाबू अंकल मुझे कुछ नहीं होगा, आप जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। अंकल मेरे फूफा जी को छोड़ दो ना प्लीज, अंकल छोड़ दो ना। शेखर जी, राजशेखर जी, मेरा दामाद आपके यहाँ काम करता है, आप तो जानते ही हैं, मेरा दामाद कभी चोरी नहीं कर सकता, कम से कम आप तो इन्हें समझाइए। जिसे अरेस्ट करके लाए थे वो चंदू कहाँ है? पता नहीं सर, देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर है सर। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट? सेंट्रल होम मिनिस्टर को फोन करो। राजशेखर जी आप खुद कैसे आ गए सर? सेंट्रल होम मिनिस्टर से मुझे डायरेक्ट ऑर्डर आया है सर। CI प्रभाकर कहाँ है उसे तुरंत ट्रेस कीजिए। निकल।
सर, जिस तरह से प्रभाकर साहब उसे यहाँ से ले गए, मुझे डर है कि कहीं वो उसे मार ना डाले। क्या कहा? उसे मार सके ऐसा कोई हथियार नहीं बना, वो खुद एक घातक हथियार है। तुझे मौत के घाट उतार कर अपने लोगों की समाधि के पास ही तेरी भी समाधि बनवा दूंगा। ऐसे सपने मत देख, वेंटिलेटर पर पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मेरे बेटे को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे भी जानना जरूरी है कि मौत कितनी भयंकर हो सकती है। चट्टान को तोड़ने की इच्छा हो तो पूरी कर ले, उसे उठाने की कोशिश मत कर, कुचल दिया जाएगा। तेरे एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तेरे इमोशन पे वार करूंगा। बंटी, पापा जी, वो आएगा पीछे से। कुंड बंद होने तक तूफान खत्म नहीं होता, वॉर फिनिश होने तक मेरे जिस्म के जज्बात खत्म नहीं होते। 6 फुट के शरीर की अभी रत्ती भर ताकत देखी है, अगर पूरी ताकत देखेगा तो कैबिनेट की पोस्ट से असेंबली की सीट तक पहुंचते पहुंचते तू खत्म हो जाएगा। अरे कोई हमें इससे बचाओ। अरे बंटी, मार्ट में चोरी करने वाले चोर को छोड़कर मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सर? शट अप यो। जैसा आप लोग समझ रहे हैं, ये धर्मा ग्रुप का एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर कौन है ये? धर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चंद्रशेखर धर्मा। करोड़ों के वारिस है ये। सच्चाई का दूसरा नाम। हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी। जो लोग अच्छे हैं ये उनके लिए है उनका गुरु, जो बुरे हैं ये उनके लिए है शत्रु, जिसे कहते हैं डिक्टेटर। मुझे ऐसा लगता है जीजाजी कुछ छुपा रहे हैं। हाँ पापा, काम्या से एक बार बात कर लीजिए। अरे वन सेकंड, श्रुति, श्रुति तुम्हारा फोन है। अरे एक सेकंड यार। हेलो हेलो, काम्या है? अंकल ये काम्या का नंबर नहीं है, ये नंबर तो श्रुति का है। श्रुति का है, लेकिन काम्या तो मुझसे इसी नंबर पे बात किया करती थी। नहीं अंकल, आपने गलती से काम्या का नंबर समझकर श्रुति को फोन लगा दिया। हेलो, किसका फोन? तुम्हारे ताऊजी ने काम्या का नंबर समझकर तुम्हें फोन कर दिया। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने कह दिया ये तुम्हारा नंबर है, कामिया का नहीं।
तो तुम ही कामया बनकर इतने दिनों से हमसे बात कर रही थी, क्यों हम सबको धोखा दिया तुमने? ऐसा नाटक करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं बताता हूँ, मेरे कहने पर उसने ये किया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। तो इसमें तुम शामिल हो, जितना परेशान किया काफी नहीं था? कहा था मार्ट में एम्प्लॉय हुआ ना, तो और आज ये तुम्हें अपना भाई बता रहे, क्या सच है और क्या झूठ? मेरी बेटी कामया कहाँ है? आखिर ये कहानी क्या है? मुंबई में चल रही माफिया दिल्ली पहुंच गई है, हम खून और पसीना एक करके धंधे में पैसे कमा रहे हैं और वो लोग वही पैसा खून बहाकर कमाना चाहते हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल गौड़ा गारमेंट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पटौदी को और उसकी पत्नी को उनके बच्चों के सामने ही मार डाला। ये सब हमें डराने के लिए है, कब तक ऐसे डरते रहेंगे? डरना होगा, उन्होंने जो 100 करोड़ मांगे थे वो उसने अगर दे दिए होते तो आज हमें ये मीटिंग रखने की जरूरत नहीं होती। मतलब उनका हमें धमकाना ठीक है क्या? आप चेयरमैन होकर ऐसी बात कर रहे हैं? चेयरमैन हूँ इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ, जिंदगी से हाथ धोने से अच्छा है कि थोड़े पैसे दे दिए जाए, उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट हम में से कोई भी हो सकता है। No, I don't encourage this. How long will this be continued? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, अगर वो हमें मौत का डर दिखा के डरा सकते तो उन्हें भी कोई मौत का डर दिखा के डरा सकता है। माफिया का सामना करने की इतनी हिम्मत किसमें होगी? मेरा छोटा भाई चंद्रशेखर धर्म। वेलकम मिस्टर चंद्रशेखर धर्मा, वेलकम। तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी सिंसेरिटी, दोनों कमाल। अरे तुम पैसे भिजवा भी सकते थे, खुद क्यों चले आए? ये बताओ मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम इनकम टैक्स वाले हो, सेल्स टैक्स वाले हो या सर्विस टैक्स वाले? लाइफ टैक्स, तुम जिंदा रहो इसलिए और तुम्हें मैं जिंदा रख सकूं इसलिए टैक्स। गलत, ईश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी, जिंदगी गुजारने के लिए अकल दी है। मुझ जैसा अकलमंद मेहनत से कमा कर जीता है, तुम जैसा गुंडा लोगों को डरा कर जीता है। डर से हमारा धंधा चलता है। फिर से गलत, पैसे से धंधा चलता है, प्यार से परिवार चलता है, सच्चाई से दुनिया चलती है। क्या रे, मुझसे लड़ने आया है क्या? मेरा सरनेम धर्मा है, मैं जो भी करता हूँ धर्म से करता हूँ। अगर उसके आड़े आए तो प्रॉब्लम को ऊपर से नहीं, उस प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। टकला वही है ना जिसने मेरे भाई को फोन करके मेरी फैमिली को खत्म करने की धमकी दी थी। तुमने मेरे आदमी को मारा, तुम्हारे दिल्ली के अंदर कदम कदम पर मेरे आदमी हैं, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे परिवार को काट के रखेंगे। मुझ जैसे लोग कदम कदम पर मिलते हैं, पर मुझ जैसे लोग कभी कभी मिलते हैं। मैं जो सोचता हूँ वही दिल्ली में होता है, अगर नहीं होता तो काट के रख देता हूँ, ये मेरा रूल है। मैं अपने दुश्मन को पाताल में पहुंचाता हूं, ये मेरा रूल है। मैं जब कमाता हूं तो हिसाब देखता हूं, मारते वक्त कोई हिसाब नहीं। We'll be right back.
अपनी बात मनवाने वाले को कहते हैं हिटलर, लोगों की बातों को अनसुना करने वाला होता है डिक्टेटर। यस आई एम द डिक्टेटर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब यही है माफिया गैंग का इन्फॉर्मर। इस प्रेस्टीजियस बोर्ड का चेयरमैन बनकर आप लोगों के इन्फॉर्मेशन माफिया वालों को देता रहा। मैं अपनी जिंदगी में दो चीज मानता हूँ, एक अपनी हिम्मत और दूसरा ईश्वर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मिलिए, ऑन टाइम मिलूंगा और ऑनलाइन रहूंगा। बट वन थिंग, आप जब तक ईमानदारी से बिजनेस करोगे तब तक कोई भी तुम पर निशाना लगाए, मैं उस बुलेट का सामना बिना सोचे करूंगा। लेकिन आप अगर बिना सोचे गलत लोगों से बिजनेस करके गलत तरीके से पैसे कमाओगे तो मैं वही बुलेट बन जाऊंगा। माइंड इट। Wish you a very happy anniversary भैया। चलिए केक काटते हैं। हम केक नहीं काटेंगे। आज से इस घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्या हुआ भैया, हमारी खुशी के लिए केक नहीं काटेंगे आप? तुम्हारी खुशी के लिए हम केक काट सकते हैं, हमारी खुशी के लिए तुम शादी नहीं कर सकते? क्या है कि बिजनेस एक्सपांड करना है। और भैया फैमिली एक्सपांड कब करोगे? मेरी शादी हो गई, शादी के लायक एक बच्ची भी है। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसके भी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारे साथ पड़ी सुशीला की बेटी की बेटी। रुकिए, वो सारी डिटेल ये कन्फर्म है। आज के बाद हम इस घर में फंक्शन नहीं करेंगे। काम पर नहीं आएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर में काम नहीं करेंगे। ठीक है सर, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। क्या सिचुएशन डिमांड है सर, फैमिली भी डिमांड कर रही है सर, शादी के लिए तो आपकी बॉडी भी डिमांड कर रही है। ये क्या खड़ा हुआ सर? रुके, मैं शादी कर लूँ इतना ही ना? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कह दी ना, अब हम तुम्हारे लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढेंगे। उसकी जरूरत नहीं है भाभी, मुझे कैसी लड़की चाहिए वो मैं डिसाइड कर लूंगा। इससे ज्यादा क्वालिटी आपको क्या मिलेगी सर? जूम करके देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। स्किन टोन देखिए जरा, बहुत अच्छा कैमरा है ये, मेरा भरोसा कीजिए, इट्स अ गुड बाय। आप फैमिली फंक्शंस इसमें शूट कर सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंट करा देती हूँ। सर के लिए पैक कर दो, आप सेटिस्फाइड है ना? कस्टमर को ऐसे हैंडल करते हैं, जब देखो। असिस्टेंट सेल्समैन के पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया ना? हाँ। उसके लिए देखिए सर, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, वैसे भी हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा केपेबल पर्सन होना चाहिए सर। आप किसी स्टूडेंट को मत सिलेक्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज योर पोस्ट? सेल्स मैनेजर। व्हाट इज माय पोस्ट? जीएम सर। सो बी इन योर लिमिट्स, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, उसका नाम त्रिपाठी है, तुमसे आकर मिलेगा, फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू ले लो। मैडम आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ प्रसाद, हमारे देश का क्या होगा ये सोच रही हूँ। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की वजह से ना हमारे देश के रेवेन्यू और रेपुटेशन दोनों गिर रही है। समझ गया मैडम, पर आपके अकेले परेशान होने से ये कंट्री थोड़े चलने वाली है। आपको पता है सर किसको अपॉइंट करने वाले हैं? किसको? एक बार उधर देखिए। नीलम, यू आर सो ब्यूटीफुल। पूनम जी की कजिन है ये। तो ये बात है, इसकी वजह से ना एक दिन कंपनी डूब जाएगी, फूटी किस्मत हमारी। नमस्कार सर। ये क्या सर, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के कॉमन मैन बन के चले आए सर? कोई भरोसा नहीं करेगा कि आप धर्मा ग्रुप के चेयरमैन? भरोसा नहीं करना चाहिए इसलिए ऐसा है। पर वो क्यों सर? कुछ सच जानने के लिए। कौन सा सच है वो? मेरे जीजा जी शिवराम जी के बारे में एक कंप्लेंट आई है, मैं असलियत जानना चाहता हूँ। तो आप अंडरकवर पुलिसमैन की तरह अंडरकवर बिजनेसमैन बन के आए हैं? I'll not tolerate such a responsibility. Get lost. ये मैडम कौन है? अग्नि काम्या है सर। अग्नि उसका सरनेम है क्या? नहीं सर, उसका कैरेक्टर नेम है। जहाँ गलती होती है वो जल जाती है, इसलिए तो सब उसे अग्नि कहते हैं। ठीक है तुम जाओ, चलो अपना काम फिनिश करो। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। इस कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताइए। हाँ, वो रिकमेंडेशन वाली तुम ही हो ना? यानी मैं सब जानती हूँ। चलो, मुझे रिकमेंडेशन से बहुत नफरत है। वैसे तुम्हें पता है एमआरपी क्या होता है? हाँ पता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर बेचो तो क्राइम है। ओहो, तुम जैसे नाकारों की वजह से ही हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है। आज हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है जानते हो? हाँ जानता हूँ मैं। क्या जानते हो? हमारी कंट्री की जीडीपी। अरे बाप रे, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर कंट्री की इकोनॉमी रिपोर्ट इसी से बनती है। अच्छा, वैसे जीडीपी एमआरपी से काम नहीं चलेगा, डिटेल में बताओ। चलो, हमारी कंट्री की जीडीपी रेट 7th इन द वर्ल्ड है, जीडीपी ग्रोथ 7% है। हमारी कंट्री की मेन इंडस्ट्रीज हैं सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, स्टील्स, ट्रांसपोर्टेशन, लेदर, सीमेंट और
हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 313.2 मिलियन डॉलर्स है, सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं 150 बिलियन डॉलर्स। हमारे देश की लेबर फोर्स 49% व्यवसाय में, 20% इंडस्ट्रीज में और 31% सर्विस में। हमारे देश में बेरोजगारी 3% अर्बन में और 2% रूरल में। टोटल 10.8 बिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन अवर कंट्री। उनमें से एक बेरोजगार मैं भी हूँ मैडम। इतनी ज्यादा नॉलेज है तो यहाँ जॉब करने क्यों आए हो? वो इस पापी पेट के लिए। तुम जैसे को तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो ना इसी कंपनी में काम करने का मेरा मन था, मेरे नाना जी इस कंपनी में। यहाँ सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है, झाड़ू मारो इसको। इस कंपनी में 36 झोल हैं। वो सारे झोल क्या हैं? जाने का टाइम हो गया, मेरी बात मानो, कोई और जॉब ढूंढ लो, वरना हमारी इकोनॉमी की तरह तुम्हें भी बढ़ोतरी नहीं होगी। सारे झोल जानने के बाद मैं ये डिसीजन लूं तो बढ़िया रहेगा ना मैडम। गुड डिसीजन, बस स्टॉप पे मिलो। तुमने देखा, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, डेली ऐसी ही हालत होती है हमारी। रोज खड़े होकर ही काम करो और शाम को खड़े होकर ही घर जाओ, कितना बुरा लगता है पता है। टिकट ले लो, टिकट ले लो। आपको कहाँ का टिकट चाहिए? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। तुम कहाँ से दोगे पैसे? अनएम्प्लॉयड हो भैया, दो इंडिया गेट। ये लो, अकबर रोड, अकबर रोड। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो अकबर रोड उतर जाओ, चलो। खाली हुई है, आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई। सुनो, हमारे मार्ट में 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अगर उनके लिए बस सर्विस शुरू कर दी तो पैसे ज्यादा खर्च ना हो जाएं। ये सोचकर लेट आने वाले लोग भी करेक्ट टाइम पर आने लगेंगे, कितना टाइम बचेगा? टाइम इज मनी, पता नहीं है इन लोगों को। तो आप अपने जीएम से कह सकती है ना? किससे? उस बेवकूफ शिवराम से। वेस्ट फेलो, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए कहा मैंने उससे तो बरस पड़ा मेरे ऊपर, और उससे बस सर्विस के लिए कहूँ? रहने दो, क्या कर सकते हैं, सैलरी के लिए काम करना पड़ता है। चलो चलो चलो, हमारा स्टॉप आ गया है, चलो। स्मार्ट में काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ दो तुम। अगर तुम्हें सच में जॉब की जरूरत है तो मैं अपनी फ्रेंड को तुम्हारा नाम रेकमेंड कर देती हूँ। ओके। हे, यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। खाते हैं ना? एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किशन जी, दो गोलगप्पे। लगता है आप यहाँ रेगुलर आती हैं। कैसे लगे गोलगप्पे? हाँ अच्छे। हमारी मुंबई में तो और अच्छे मिलते हैं, बस वहाँ पानी पूरी कहते हैं और यहाँ गोलगप्पे। ये देखो मेरे चाचा जी का घर। वैसे तुमने डिसाइड क्या किया? वो मैं। हे काम्या। हाय। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड है। सुनो, इस एरिया में मुझसे बहुत लोग फ्लर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए तुम्हें साथ ले आई। सीरियसली मत लेना इसे। ओके सो शी इज माय कजन श्रुति एंड हेलो। पे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। चंदू, चंदू। हाय, नाइस मीटिंग यू। बहुत हो गया, हाँ चलो। आइए आइए। नमस्कार। ठीक फाइन। कैसे हो बेटा? नमस्कार साहब। नमस्कार, सब ठीक तो है ना? आपकी मेहरबानी से सब ठीक है साहब जी। हम जैसे गरीबों को आप इतना सहारा दे रहे हैं साहब जी, आप हम लोगों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये कोई सहानुभूति नहीं, अनुभूति है। मेरे पिताजी यहाँ 1 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी करते थे, मैं आप में से ही एक हूँ। आप जैसे इतिहास याद रखने वाले कितने लोग होते हैं। कभी मैंने तुम्हारे पिताजी को काम दिया था इस एहसान को चुकाने के लिए। आज मुनाफा न देने वाली फैक्ट्री को तुम लोग 25 साल से चला रहे हो, इसके लिए मैं तुम लोगों को धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। कुछ काम फायदे के लिए किए जाते हैं और कुछ काम तृप्ति के लिए। हमारे पिताजी एक ही बात कहा करते थे, जन्म देने वाली को, पालने वाले को और अपनी जन्मभूमि को अगर कोई भूल जाए तो सबसे बड़ा अहंकार होगा, वो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग यहाँ तक आते हो? छोटी छोटी बातें ही खुशियाँ देती हैं। आपने हमारी फैमिली की कितनी मदद की है वो हम जानते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, उस दौरान तुम लोगों का वक्त बुरा था। बुरा वक्त तो कईयों का होता है, जरूरी होता है उसे सही करना। हमारे लिए आपने वही किया। आप अपने हाथ से हमें सैलरी दीजिए। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ काम किया करते थे और मुझसे सैलरी लेते थे, और तुम लोग हम लोगों को काम देकर सैलरी लेते हो।
सर, इनके लिए सारे मंत्री लोग, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन सब इस तरह लाइन लगाकर खड़े हैं। इनका नाम है महिमा राय, इनके नाम में ही महिमा है। ये जिन पर अपना हाथ रख देती हैं, टिकट उन्हीं को मिलती है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्हीं से आशीर्वाद लिया था। ये सिंगल हैंडेडली दिल्ली को हैंडल करती है। कुछ मत करो उसे, कुछ मत करो। ए महिमा राय, नाटक मत कर तू। माफिया के साथ मिलकर हमारी यूनिवर्सिटी को जबरदस्ती हथिया की अपनी फैक्ट्री बनाना चाहती है। हा? और मैंने कंप्लेंट की तो तूने मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया। तूने मुझे मेरे एग्जाम में बैठने नहीं दिया, ये जानकर मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। और मैं जानता हूँ शाम को तूने दिल्ली में माफिया को बुलाया। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है, कानून इसे अपने हिसाब से संभाल लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाने दो। ए छोड़। He is wrong. के मुंह से किसी के लिए रॉन्ग निकल जाए तो उसके लाइफ में कुछ राइट नहीं होने दो। वाहनाधिष्ठान देवता भ्यो नमः। ये सब क्या है? मैनेजमेंट ने स्टाफ के लिए प्रोवाइड किया है मैडम, ये सब चेयरमैन के ऑर्डर पर हुआ है मैडम। इतनी जल्दी यहाँ इतना सारा बदलाव कैसे हो गया? मैडम 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 मैडम, एक साइन तो कर दीजिए। किस लिए साइन तो कीजिए ना, बताता हूँ। इस मार्ट में काम करने वाले सभी का इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप होगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, महीने में एक बार एंटरटेनमेंट हैम्पर भी मिलेगा। इस मार्ट में काम करने वाली लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट बनवाने का चेयरमैन का ऑर्डर है। पता नहीं उन्हें क्या सोची कि इतने बदलाव कर दिए। मालिक है जानु, 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 जानु। इस महीने का एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड मुझे ही मिलेगा ना? सिलेक्ट तो मैंने ही किया है ना, और सिर्फ इतना ही नहीं प्रमोशन भी देने वाला हूँ तुम्हें, बस मेरे करीब रहा करो। इस बार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने खुद उसे सेलेक्ट किया है। वो कौन है ये जानने के लिए उनका कैरेक्टर ही उनकी खूबसूरती है, और उनकी सिंसियरिटी ही उनकी स्पेशलिटी है। देयर शी इज, नन अदर देन मिस काम्या। अवार्ड को हमारे चेयरमैन साहब खुद काम्या को देंगे। अब तक आपने जिस चेयरमैन साहब को नहीं देखा है, अब आप उन्हें देख सकते हो। काइंडली वेलकम चेयरमैन ऑफ धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज, चंद्रशेखर धर्मा। कई बार ऊपर से देखने पर ये आंखें छोटी चीजें देख नहीं पाती, तो हम सोचते हैं कि सब ठीक है। इस कंपनी में हो रही छोटी छोटी बातें बताकर कंपनी को बड़ी मदद करने वाली काम्या जी को मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। सर, मैंने वो अनजाने में कह दिया। तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई है उसी के लिए ये अवार्ड मिला है, तो पार्टी तो बनती है। यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अचानक तुम ये ट्रीट क्यों दे रही हो मुझे?
हाय। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी बदौलत मार्ट में क्या चल रहा है मुझे पता चला। तुम्हारे मार्ट में होने से मार्ट ने काफी तरक्की की है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज तुम जैसी शरीफ और ईमानदार लड़की को देखकर शादी करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं करनी। मैंने नहीं कहा। लेकिन आवाज तो तुम्हारी ही थी। आवाज तो मेरी ही थी लेकिन मैंने नहीं कहा था। ये मेरी आवाज निकाल मतलब सकती है। ये तुम्हें पसंद है ना? अचानक इस तरह शादी की बात हो तो जनरली हम जैसी लड़कियां घबरा जाती हैं। लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो सब देखने के बाद आपको हाँ ही कहना है, क्योंकि ना कहने की कोई वजह नहीं है। मैडम, ये लोग इटली से आए हैं, अपनी केमिकल फैक्ट्री दिल्ली में लगाना चाहते हैं। अगर हम इन्हें ये जमीन दिलवा देंगे तो ये हमें 50% शेयर देंगे। डोंट वरी, विद इन वन वीक दिस प्रॉपर्टी विल बी योर्स। मिल मालिक से बात किए बिना प्रॉमिस कर रही हैं? उनके साथ बात किए बिना मैं कैसे प्रॉमिस कर रही हूँ? वो सब दामाद जी देख लेंगे। दिल्ली सिटी के प्राइम लोकेशन में इस तरह की ह्यूज प्रॉपर्टी मिलना किस्मत की बात। नो मोर डिस्कशन, दे हट। टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज द डील मिस्टर पीटरसन। सर सर सर, महिमा राय के दामाद विशंबर जी आए हैं। आप लोगों की तारीफ। तुम्हारी फैक्ट्री की 25 एकड़ जमीन इन्हें चाहिए। मंडे को रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा सासू माँ ने हुक्म दिया है। लेकिन फैक्ट्री बेचने की बात तो मैंने की नहीं। लेकिन हमने खरीदने का फैसला किया है। बंद कर आवाज। और वैसे भी तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का तुम करोगे क्या? भले ही मेरा कोई वारिस नहीं है, लेकिन मेरी इस फैक्ट्री से हजारों परिवारों का चूल्हा जलता है। और वही जिंदगियां कहीं खत्म ना हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। सोच लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मंडे रजिस्ट्रेशन फिक्स है, नहीं तो राख राख बना दूंगा इस पूरी जगह को। बड़े बुजुर्गों से बदतमीजी से बात करना गलत है। चुप। कौन है तू? तेरा इससे क्या लेना देना? मुझे जानने वाले हर किसी से मेरी पहचान होती है, चाहे वो मिट्टी हो, ये मिल हो या मनुष्य। बड़ा दमदार डायलॉग देता है। हमसे इस तरह बहस करके पब्लिसिटी पाना चाहता है। पब्लिसिटी और मेरी? तुझ जैसे टुच्चे लोग पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं जो करूं वही पब्लिसिटी है। बस, जब तक ये मिल मुझे हैंडओवर नहीं होगी मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा असली नाम चंद्रशेखर, अंदर से मेरी आत्मा है डिक्टेटर। अगर तू इतिहास बनना चाहता है तो मुझे टच करके देख। हेलो विशंबर। हाँ जी। Where are you? Come here right now. टेंशन मत लो, ताऊ जी जरूर तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। हाय। हाय ताऊ जी, कैसे हैं आप? ठीक। दीदी तुम अकेली क्यों आई? जीजा जी कहाँ हैं? अब वो नहीं आएंगे, पैसे वालों का भरोसा करके हम फिर धोखा खा गए। तुम्हारी बड़ी दीदी के पैसे वालों के घर में शादी करवाई, ससुराल वालों के टॉर्चर से परेशान होकर ये सुसाइड करने जा रही थी। पैसे वाले से शादी करने का अच्छा सिला मिला है इसे, अब वो अपने अहंकार की वजह से इसे इसके बच्चों के साथ सड़क पर छोड़ गया है। उम्मीद है कि तुम इसकी गलतियों को दोहराओगे नहीं, वरना मैं टूट जाऊंगा। बताओ बेटी, कौन है वो? डैडी, मैं जिससे प्यार करती हूँ लगता है वो आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। डैडी को पता चलेगा कि ये करोड़पति है तो वो मना कर देंगे। तुम्हारे पापा आ गए? हाँ। रुको रुको, पहले मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? पहले वादा करो। ठीक है, वादा किया। अब बताओ क्या है? अब तुम्हें तीन चीजों का ध्यान रखना होगा, ओके? नंबर वन, तुम करोड़पति नहीं हो, मेरे साथ काम करो। नंबर टू, तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम एक अनाथ हो। नंबर थ्री, पैसे वाले लोगों से तुम नफरत करते हो। ये सब क्या है? तुमने मुझसे वादा कर लिया है बस। ठीक है।
उसने अपने मालिक को एक नौकर बनाकर परिचय करवाया। वेरी इंटरेस्टिंग। कोट ठीक से पहनो। भैया ये मेरे ताऊजी का लड़का है। जी नहीं, चाचा का लड़का हूँ। जो भी हो, भाई हो ना। ये लोग कौन है? अपनी डिटेक्टिव गिरी बंद करो। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ। ये चंदू है, मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं। नमस्कार। और ये हम दोनों के बॉस। अच्छा, एम्प्लॉय की शादी की बात करने के लिए बॉस क्यों आया है? समथिंग इज फिशी। वो क्या है ना, मैंने इसकी माँ से वादा किया था कि इसकी शादी में पॉम्फ्रेट खिलाऊंगा, बस इतना ही फिशी है। लेकिन बेटा माँ कहाँ से आ गई? तुम तो अनाथ हो ना? ताऊ जी, अनाथ होगी भी माँ तो होती है ना, बिना मदर के अनाथ कैसे बनेंगे? सर इन्होंने भी सही कहा है। ये क्या? खुद सर होके इन्हें सर क्यों कह रहे? हमारी ऑफिस में सब एक दूसरे को सर और मैडम कहते हैं, मुझे मैडम कहते हैं। इसमें कुछ तो झोल है ताऊ जी, सोच लो। तू चुप कर। बेटा तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50 तक मिल जाती है। मेरी बेटी से कम है। तुम में अकल भी कम है। हेलो, हाँ जी, पीएफ चंद्रशेखर स्पीकिंग। 10 मिनट बाद फोन कर रहा, थैंक यू। तुम खुद को चंद्रशेखर के पीए क्यों कह रहे हो? बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं जी, मैंने पीए चंद्रशेखर कहा, पीए मतलब पीताम्बर आदित्य चंद्रशेखर। तुमने पीए ऑफ कहा था। ये ऑफ कहते, बिजली ऑफ क्यों हो गई? ये कैसे हुआ? लगता है दीवार टकरा गई मुझसे। तू दीवार के पास गया कब? आप समझे नहीं ताऊ जी, ऐसा लगा दीवार खुद यहाँ आकर मुझसे टकरा गई। ये कैसे हो सकता है? बेटा जी कहिए। तुम्हारी शादी के लिए हम सब तैयार हैं, क्योंकि तुम भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो। ऐसा मत सोचिए, मैं तो आपसे भी लो क्लास हूँ। नहीं नहीं बेटा, बुरा मत मानो, भगवान सभी को समृद्ध नहीं बनाता, ये कड़वा सच है। वैसे एक बात कहूँगा, हाँ। मेरी स्टाइल में शादी होगी, ग्रैंड लेवल पे पूरे 10 लाख खर्चा करेंगे। आप इतना ग्रैंड करेंगे सर? हाँ, हमारे ताऊ जी की यही हैसियत है। सर मुझे इजाजत दीजिए। डैडी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे जाओ, उन्हें नीचे छोड़ कर आओ। संदेह करने वाले बोमन की नाक टूट गई। तुमने ये झूठ क्यों बोला? मेरे डैडी को पैसे वाले लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए मुझे पता है कि ये गलत है। शादी के बाद एक दिन उनका अच्छा मूड देखकर खुद ही उनसे सच बता दूंगी। तब तक के लिए इस झूठ को ऐसे ही रहने दोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस? ये क्या मतलब है? पिताजी को कन्विंस करने के लिए सिंपल वे में शादी करोगे? तुमने सबकी शादी ग्रैंड तरीके से करवाई है, पर खुद की शादी सिंपल तरीके से करना चाहते हो? हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे। क्या करोगे हमें नहीं पता, बस तुम्हारी शादी ग्रैंड तरीके से होनी चाहिए। वैसे भी ये पिताजी की इच्छा थी। व्हाट अ टाइट सिचुएशन सर। आपके ससुर जी की आदत है कि जब किसी चीज के भाव गिर जाए तब खरीदो, लेकिन आपकी आदत है कि जब किसी चीज के भाव सबसे ज्यादा हो तब खरीदो। आप ये शादी कैसे करोगे? हो जाएगी, जितना आप लोग चाहते उतना ग्रैंड होगा, जितना वो लोग चाहते उतना सिंपल होगा। तो सबको लकी डिप की स्कीम समझ आ गई ना? लकी डिप? हाँ डैडी, हमारी कंपनी में काम करने वाले कुंवारे लोगों के लिए हर साल लकी डिप निकालते हैं। उसमें जिसका भी नाम आता है उसकी शादी हमारे चेयरमैन के परिवार की तरह ग्रैंड धूमधाम से की जाती है। टेंट लगाकर शादी करने वाले हम जैसों को अगर लकी डिप के बारे में बताओगी तो कंफ्यूजन होगा ही। हम आपके कंफ्यूजन को कैश कर देंगे सर। कैश? कैश मतलब? उनके कहने का मतलब है कि वो शादी का कैश संभाल लेंगे। ऐसे कहो ना बाबूजी। हां तो आ गए आप। गुड मॉर्निंग सर। मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए था ना। ये लोग आंख क्यों मार रहे हैं? वो क्या है ना ससुर जी, लकी ड्रॉ है ना, तो दाई आंख फड़कने से ये जीत जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। तो अच्छा ही है, क्योंकि दाई आंख फड़कती है तो अच्छा है, बाई का फड़कना अच्छा नहीं। बाबूजी आइए, आप निकालिए। मैं? हाँ, इसका शुभारंभ तो आप ही कीजिए। तुमने देखा था माँ जी, मैंने कहा था ना इसकी किस्मत के बारे में, अब तुम्हारी लाइफ पलट जाएगी। अपने लेवल में इस लकी डिप को जोड़कर तुम्हारी शादी कैसे करवाता हूँ देख लेना। अरे वाह, कितना खुश हूँ मैं तुम्हें दूल्हे के लिबास में देखकर। चंदू, इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रहे हो। नमस्ते, नमस्ते। दुल्हन चांद का टुकड़ा लग रही है, आइए। नमस्कार, नमस्कार। ये कौन है? कौन क्या मतलब, धर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी राजशेखर धर्मा। एमडी? लकी डिप। ब्रदर सर, ब्रदर। नमस्कार सर, नमस्कार। और दोनों परिवार में संधि भी हो गई, और ठीक तभी वेडिंग प्लानर मिसेस चंदा से बात करो। तुम फ्लावर डेकोरेशन में 25 लाख का खर्चा दिखाया है, तुमने उसमें कुछ कमीशन खाया है क्या? कौन है ये जो आप पर उंगली उठा रहा है? नहीं
इन्हें क्या समझते हो, लड़के के मालिक हैं। ओह ओह सॉरी सॉरी चेयरमैन सर, पीछे से देखकर कंफ्यूज हो गया था। आइए 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 सर। ये कैसे बात करते हैं, पागल है क्या? डैडी हमेशा ऐसा ही करते थे। क्या वो तुम्हारे डैडी है? जी हाँ, श्री शिवराम। एक मिनट, उस दिन तो कोई और सरनेम बताया था। हाँ तो कहाँ होगा, मेरी माँ का सरनेम अलग है, मेरे बाप का सरनेम अलग है। मैं अपनी माँ के घर पैदा हुआ इसलिए मैंने अपनी माँ का नेम यूज कर लिया। पता नहीं जी, हमें तो बस कंफ्यूजन हो रहा है। हम तो तुमसे ज्यादा कंफ्यूजन में हैं भाई। आइए आइए, मुहूर्त का टाइम निकाला। सारे कंफ्यूजन के बाद सारे लोग मंडप में प्रवेश करने लगे। शादी धूमधाम से करेंगे और सोचा था कि डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारा इंतजाम आप खुद देखेंगे ये नहीं सोचा। सिक्किम के सीएम आ रहे हैं। सिक्किम के सीएम? उठिए ना, वो आ गए। चलो चलो, इस लकी डिप वाली शादी में सिक्किम के सीएम किस लिए? पता नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते डैडी। हाँ, सिक्किम के सीएम इतने सीख क्यों हैं? पास आकर बैठिए, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ। लकी डिप, लकी लकी डिप। ओहो, बेटी लकी डिप। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप। अच्छा सर, उठिए उठिए। अब कौन आ रहे? पंजाब के गवर्नर आ रहे हैं। पंजाब के गवर्नर? अरे चलो चलो उधर चलो। आइए आइए। धर्मा ग्रुप वालों से उनकी अच्छी पहचान हो। वो लगता है पहचानी नहीं, पुराना याराना है। आप चिंता मत कीजिए। मैं क्यों चिंता करूंगा, बल्ले बल्ले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटी मेरी बेटी, लकी डिप लकी डिप। बेटी लकी डिप पे आई? नहीं 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 नहीं, बेटी मेरी बेटी, शादी लकी डिप में हुई है। कोई शादी लकी डिप? डैडी टेंशन में क्यों है? अरे अब इस बार कौन आने वाला है यही टेंशन है। सर सर सर, दिल्ली के सीएम आ रहे हैं, जरा इस तरफ बैठ जाइए। दिल्ली के सीएम? अरे चलो भाई उधर चलो। यजमान लड़के के माता पिता को कहिए कि वो लड़के के लिए वस्त्र लेकर आए। आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, मैंने खुद आपके लिए 22 कैरेट की ये रिंग बनवाई है। कॉस्टलीस्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड, 45,000 रुपए की। सुपर सर। वो तो ठीक है, मेरी बेटी को आपके धर्मा ग्रुप वाले कौन से गिफ्ट दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, छोटा सा गिफ्ट है। यही है हमारा गिफ्ट। नकली है ना? नकली? 22 कैरेट से बने असली सोने के हैं। कितना होगा? ज्यादा नहीं, बस 300 करोड़। 300 करोड़? ओह माय गॉड। खुद को संभालो। रहने दीजिए, मैं आप सबको जानता हूँ। फोटो लेकर पब्लिसिटी करवाएंगे और शादी होते ही इसे लेकर वापस चले जाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है, ये सब आपकी बेटी का है। ले लीजिए पिताजी। ये सच में क्या मेरी बेटी के लिए है? ये लीजिए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे तुम्हारे पापा ने मेरी शादी पर ये चेन मुझे दी थी और अब तुम्हारी शादी पर वो ही चेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लो बेटी, शर्माओ मत बेटी, ले लो। ऐसा बड़े दिल वाला लड़का तुम्हें पति के रूप में मिला है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। डैडी, हाँ, आपने एक बात ऑब्जर्व की? हाँ। इस शादी में सारे परफॉर्मर एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सब पैसे वाले एक ही तरह के होते हैं। ये लो बेटी काम्या, तुम्हारे लिए सरप्राइज। छोटा सा लिफाफा देकर सरप्राइज की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ लिफाफा नहीं, 10 दिन यूरोप घूमकर आने के लिए फ्लाइट टिकट्स हैं, हनीमून ट्रिप। सुनिए भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हम अपने दामाद जी को अपने घर ले जाएंगे और आप फॉरेन ट्रिप। डैडी, अपने घर तो मैं कभी भी आ सकती हूँ, यूरोप तो रोज नहीं जा पाऊंगी ना। ठीक है, तो ये भी सही है। अब दूल्हा दुल्हन यूरोप जाकर घूमने की बात कर रहे हैं तो फिर हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप तो बनती ही है। नो नो नो, नथिंग डूइंग। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। देखो बिजनेस की बातें करते हैं। ओके बाय। अरे रुको रुको, चंदो। हाँ भैया, तुम्हारी शादी हो जाए तो अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे, ऐसी मन्नत मांगी थी हम दोनों ने। दर्शन करके आ जाएंगे। अब तुम्हें ही देखना है कि इस घर में किसे क्या चाहिए। इसे रखो। ये किस लिए? वो इस घर में नहीं आई है ना, ये सब तो मेरी बेटी भी देख सकती है। जाओ भाई साहब, अब घर का हर एक फैसला इसे ही करना होगा।
हाँ भैया हम चलते हैं। आप आराम से दर्शन करके आइएगा। हाँ। बिजनेस का कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब देख लूंगा। मैडम इट्स ऑलरेडी वन मंथ नथिंग इज हैपनिंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? दामाद जी इनकी डील का क्या हुआ, क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? मान जी मैडम दामाद जी असली बात बताने से डर रहे हैं, वो मिल अभी तक हमारे हाथों में नहीं आई है। ये जब वहाँ गए थे तो ऑनर ने उसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। He is wrong. क्या कर रहे हो, सबको क्यों मार रहे हो? ये तो सरासर गुंडा कर दी है। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है, इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। चंद्रशेखर धर्मा, जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे, तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है, तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर शेर की सवारी की मत सोच, समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक
तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाकर्म के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब, हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमारा से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें, वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले। इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाली मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी। अगर वो नहीं मारता तो चार दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप शट अप। कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों, अभी मर जाओ। छी, मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस। वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहाँ पिताजी रहे थे। आज हम शान और शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरिप्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है, चार दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने। 50 साल का इतिहास मिटाया है, 500 परिवार की खुशियों को मिटाया है, इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया है। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मार कर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसकी वजह से, मौत के डर से भीगी बिल्ली की तरह आज मैं असहाय होकर एक कायर के जैसा यहाँ आकर छुपा हुआ हूँ। दिल्ली में हमारा सामना करने वाला कौन है? मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे नहीं जानते हो। बस बता दो वो कौन है, कहाँ पर मिलेगा, कैसा दिखता है, बोलो। उसकी डेड बॉडी कल ही तुम्हारे सामने ला दूंगा, बोलो बोलो। जरूरत नहीं है, उसका क्या करना है तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी। तब तक के लिए तुम बाहर मत निकलना, तुम्हारी गन से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। ऐसा प्लान किया है कि वो खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है, उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी, अगर दम है तो आकर बचा ले। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है, चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुके, फिर तुम तो चीज ही क्या। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूं, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा, बेटा क्या हुआ? Somebody kidnapped us. Hello? नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो बुआ, बुआ हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो क्या हुआ, किसी ने हमारा किडनैप किया। हेलो कनाडा से। हेलो चाची, चाची प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी चाची। Bye.
चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने चार दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है। याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग, नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं, नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ उन्हें। चलो। ए सुन, तूने मुझसे पूछा था ना, थोड़ा सा भी डरती क्यों नहीं हूँ मैं? मेरी हिम्मत की वजह क्या है? मेरे पति मेरी हिम्मत है। औरतों की इज्जत करना इनकी फितरत है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। फिर कभी इनके आड़े मत आना। तुम लग जाओ। अच्छा सुन, मैं तेरे लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुझे एक बात बताना भूल गया। मैंने जिन्हें किडनैप करवाया उनमें तेरा दामाद भी है। उसकी गलती के लिए कोई माफी नहीं है। नहीं, मेरे दामाद को कुछ मत कर। मैंने तुझसे वादा किया था कि तेरे दामाद को मारूंगा। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। माजी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। माजी, बचा लो मुझे। माजी, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। He is wrong. Shoot him. तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? डर मत, डर मत। में बैठ जाओ। Family wrong. क्या हुआ?
तुम ठीक हो ना? गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना। अरे कंफर्म मरेंगे, ये तो डिक्टेटर है। किसी की बात ना सुनने की वजह से सिचुएशन आई है। आज इसके बीवी की हालत हुई है, कल हम भी खत्म हो जाएंगे। चलो बैठो बैठो जल्दी, मेरी बात सुनो। ससुर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भैया। उस दिन कहा था कि महिमा राय से दुश्मनी मत मोल लो, सुना नहीं। आज देखिए क्या हालत हो गई। उस महिमा राय का टारगेट हम नहीं है, आप हो। तुम दिल्ली से दूर जाओगे तो ही वो हमें जीने देगी। आप बाकी सबके लिए भगवान हो, लेकिन हमारे लिए यमराज हो। हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे दूर रहेंगे तो ही हमारे बच्चे जिंदा रह पाएंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो बैठो गाड़ी में। रुक जाइए, कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनो, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे चाकू लगा इसलिए नहीं, कोई आपको नहीं समझता है इसलिए। इतने साल जिनके लिए आपने इतना सब किया, उन्हें नहीं आपका साथ छोड़ दिया, जिन्हें अपना समझा वो पराए हो गए। मुझसे वादा करो, तुम मेरे डैडी के पास जाओ, मेरे डैडी को संभालो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा नहीं मर चुकी हूँ। काम्या, वैसे ही वो दीदी को लेकर पहले से ही परेशान है, अब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो पूरी तरह बिगड़ जाएंगे, उनसे सहा नहीं जाएगा। कामिया, कामिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कामिया, कामिया। मौत से जूझ रहे इस घर की बहू को तुम छोड़कर आ गए, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आई? हो क्या गया है तुम लोगों को? तुम क्या समझते हो ये सारी जायदाद किसकी है? हमारे पिताजी और उसके पिताजी भाई जैसे थे। हमारे पिताजी जब बिजनेस में धोखा खाकर अपने बच्चों के साथ सड़क पे आ गए थे, उस वक्त सिर्फ उन्होंने ही सहारा दिया था। आज जो तुम लोग इतने शान और शौकत से जी रहे हो, बड़े लोग जो हमें इज्जत देते हैं, ये सब उनकी दी हुई भीख है। भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिना भगवान के मंदिर की कोई कीमत नहीं। वो भगवान है और उसके बिना इस घर की भी कोई कीमत नहीं। भगवान नहीं, हमें जहन्नुम में पहुंचाने वाला वो एक शैतान है। हमें माफ कर दो भैया, हमसे अनजाने में गलती हो गई। भैया जहां भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। उसे आना होगा तो खुद आएगा, हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने जो एक बार फैसला कर लिया, वो उसे मरते दम तक निभाता है। हमारे बिछड़ने की वजह महिमा राय का दामाद अभी तक जिंदा है। Shoot him! Nice! Nice! तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड्स को उसने खरीद लिए। राज सिंहासन को छोड़ दो, लेकिन प्रजा को मत त्यागो। दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है? डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी कैसी है? Your wife is perfectly all right. घाव गहरा होने की वजह से कोमा से बाहर आने में थोड़ा टाइम लग गया। मुझे खुशी है कि आपकी पत्नी ठीक हो गई। डॉक्टर, कामिया जी अपने बेड पर नहीं है। मेरी बेटी गई कहाँ होगी? कहीं दुश्मनों ने तो कुछ। डैडी, काम्या बेटी, सॉरी डैडी, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको ऐसा झूठ बोला था, इन्होंने भी मेरे कहने पर ही। तू सॉरी क्यों बोल रही है बेटी, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूं। चल बेटी। मैडम, इतना प्यारा पति पूरे भारत में ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, सच कहा ना मैंने? छोटे, ए, छोटे, क्या हुआ छोटे? सर, उठ छोटे, उठ। सर, आपका भाई अब किसी को नहीं पहचान पा रहा, प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रही है। हे हे मिनिस्टर साहब, क्या हुआ इसे? भाई की ये हालत करने वाला कौन है? ये है वो। ए?
तुम इसे जानते हो? दिल्ली को थरथर हिला देने वाला डिक्टेटर है ये। सोचा था कि वो भाग गया, लेकिन वो तो दोबारा आ गया। दामाद जी, अगर उसने दिल्ली में कदम रखा तो हमारे सारे पॉलिटिकल प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। वो बचना नहीं चाहिए। He is wrong. तुम जब यहाँ नहीं थे उसमें बहुत कुछ हो गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स को महिमा रॉय ने अपने कब्जे में ले लिया है। आई होप एवरीथिंग विल बी। चलो उठ, उठ। चेंबर ऑफ कॉमर्स सीट मेरी है। इस कुर्सी पर जिसे चाहूं उसे बिठाऊंगी। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसका सारा बिजनेस बंद। ये महिमा रॉय का ऑर्डर है। लोगों का भला तभी होगा जब महिमा रॉय और उसका दामाद पावर में दा रहे हैं, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। भैया, हम कल की पहली फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। डिक्टेटर दिल्ली आ गया है, कभी भी हमला कर सकता है। डिक्टेटर के डर से हमारे लोग दुम दबाकर भाग रहे हैं। इससे पहले कि वो हम पर अटैक करे उसे खत्म कर देते हैं। इस टाइम पर डिक्टेटर के सामने जाना ठीक नहीं है। उसे बल से नहीं, बुद्धि से मारना है। सोचो कैसे। मैं बताता हूँ। तू तो उसी के घर में रहता है, फिर तू हमारी मदद करने के लिए क्यों तैयार है? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। उस घर में रहना हमारी बदकिस्मती है। वहाँ हमारा रहना किसी कुत्ते से कम नहीं है। जब तक नहीं था ऐश से जी रहे थे। इस बार उसका किस्सा परमानेंटली खत्म हो जाए तो ही चैन से जी सकते हैं हम लोग। चाहो तो इनसे पूछ लो। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं, उस डिक्टेटर की मौत का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कल डिक्टेटर अपनी फैमिली के साथ कहाँ मिलेगा वो मैं बताऊंगा। तुम बस अटैक करो। अगर चांस मिस किया तो दुनिया हमें मिस करेगी। दामाद जी, कल के बाद से उस डिक्टेटर का नामो निशान मिट जाना चाहिए। उसकी मौत की खबर लेकर चैम्बर आना। मौत की खबर ही नहीं, उसकी डेड बॉडी लेकर ही आऊंगा। भैया, वहां कुछ भी हो जाए लेकिन पूजा रुकनी नहीं चाहिए। क्या हुआ? शॉक लग गया ना? एक साल मैं तुझसे छिपकर जीता रहा हूं। मेरा जान से प्यारा मेरा भाई तेरी वजह से मुझे नहीं पहचान रहा। लोगों को बचाकर उनकी नजर में तो तू भगवान बन गया, लेकिन आज तुझे जमीन में गाड़कर ऊपर पहुंचा दूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरे पंजों से नहीं बचेगा। शेर को भी जब प्यास लगती है तो सर झुकाकर पानी पीता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो वापस सर उठाकर वार नहीं कर सकता। देखने के लिए आंखें नहीं बचेंगी, सर उठाने के लिए सर नहीं बचेगा। विश्वंभर, समझ नहीं पाए? डिक्टेटर को मारने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, तुम्हें मरवाने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मार डालो उसे।
तेरे घर में घुस के मारता तो मर्दान की होती, बीच सड़क पर मारता तो गुंडा कर दी, और अगर यहाँ मारू तो प्रायश्चित होगा। उस डिक्टेटर के बारे में आप भूल जाइए, उसका किस्सा आज खत्म हो जाएगा। स्त्री हत्या महापाप होता है, इसी ख्याल की वजह से तेरी उम्र बढ़ गई, वरना तेरे दामाद को जो मौत दिए वही तुझे भी देता। ये टिकट, इस देश को छोड़कर चली जा। अपनी जो ताकत होती है उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी की तबाही के लिए। एक बात ध्यान से सुन, अहंकार में जी रही औरत, अन्याय करने वाला मर्द किसी ना किसी दिन अंधकार की खाई में डूब जाता है।